जयपुर शिक्षा संकुल में गैर सरकारी विद्यालयों में आरटी के अंतर्गत निशुल्क सीट्स पर शैक्षिक साल 2024-25 में प्रवेश हेतु तो वरीयता क्रम निर्धारण के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। यह लॉटरी एनआईसी के सहयोग से शासन सचिव कृष्ण कुणाल द्वारा निकाली गई। प्रदेश भर के 3,87,032 बालक बालिकाओं ने आरटी के तहत प्रदेश के निजी विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, जिसमें विभाग को कुल 10,11,047 आवेदन मिले थे। आरटी के तहत प्रवेश की अगर बात की जाए तो इस बार विभाग को करीब 3,08,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के 10,00,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1,63,411 बालकों की संख्या है और बालिकाओं की बात करें तो 1,45,368 बालिकाओं ने इस प्रक्रिया में भाग लिया है। प्रदेश के निजी विद्यालय में 36,045 सीटें आरटीई के तहत प्रवेश के लिए शिक्षक संकुल में लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी प्रक्रिया में 3 थर्ड जेंडर छात्रों ने भी आवेदन किया है। आरटीई लॉटरी में नंबर आने पर अभ्यर्थी एवं अभिभावक के लिए जरूरी जानकारी, जिन अभ्यर्थियों का लॉटरी में नंबर आया है वो 13 मई से 20 मई तक स्कूलों में ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। वहीं 13 मई से 24 मई तक विद्यालय आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। अगर किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज में कोई कमी रही होगी तो अभिभावक 13 मई से 30 मई तक दस्तावेज सत्यापन में संशोधन करवा सकेंगे। सुनिए शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने क्या कुछ बताया। जो लॉटरी निकाली गई है 25% सीटों पर लोगों को, बच्चों का इंतजार रहता है, उनके परिजनों का इंतजार रहता है कि वो उनके बच्चे भी जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएंगे, उनका सपना पूरा हो पाएगा। किस तरह की व्यवस्था है आपको जानना चाहेंगे और इसमें कितने के आवेदन आए थे? जैसा अभी आपको लॉटरी की प्रक्रिया में बताया गया, आपने देखा कुल मिला के इस लॉटरी में जो सूचना का जो हमारे जो शिक्षा का अधिकार है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के तहत, इस एक्ट के तहत ये एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर्ड है। इसके लिए हम आप सभी पाबंद हैं इस राइट की क्रियान्विति हेतु, और इसके लिए जो राज्य सरकार ये कहती है शिक्षा में इंक्लूजन हो, जो गरीब हैं, जो असुविधाग्रस्त हैं, जो दुर्बल हैं, उनको भी अच्छे से अच्छे शिक्षा सबके समानता के साथ सबको उसकी अपॉर्चुनिटी मिले, उसी के तहत ये आरटी एक्ट पास भी किया गया। और उसके पश्चात हम 2012-13 से हम इसको चला रहे हैं ऑनलाइन। इस बार जैसा आप देखेंगे 3,08,782 बच्चों ने, बालक बालिकाओं ने करीब करीब 10,11,000 फॉर्म्स भरे हैं पूरे स्टेट में। इसमें आपको ध्यान है कि पहले हमने जो लॉटरी की डेट थी 21 अप्रैल थी लास्ट डेट एप्लीकेशंस का, उसके बाद चूंकि चुनाव थे, यहाँ चुनाव थे, उसके बाद चुनाव के पश्चात हमने 29 तारीख को एक्सटेंड किया। पुनः आपने ध्यान दिया होगा इस बार एनपीई पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया, उस पॉलिसी के तहत अब जो क्लास 1 में है वो 6 से 7 साल की उम्र के बच्चे आ गए। तो पिछले साल जो हमारी डेडलाइन डेट थी वो 31 मार्च थी, इस बार जो हमारी डेडलाइन थी वो 31 जुलाई थी। इसका मतलब 2018 के इस बीच के अवधि में जो बच्चे जन्म लिए वो छूट रहे थे, तो इसलिए हमने इसको फिर पुनः टाइम एक्सटेंड किया और जो डेडलाइन हमने 31 अप्रैल दी थी उसको हमने घटा के 1 अप्रैल किया, 31 जुलाई से 1 अप्रैल। इस 3 महीने के गैप से हमने 10 दिन टाइम और दिया तो 57,000 और बच्चों ने अप्लाई किया, करीब करीब 2.25 लाख फॉर्म्स एक्स्ट्रा आए हमारे, तो उनको भी हम इंक्लूड कर पाए। तो ये लॉटरी प्रक्रिया जो की है करीब करीब 37,000 में 31,000 स्कूल, जो 37,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें 31,000 स्कूल्स के लिए अप्लाई किया है बच्चों ने। इसकी हमने प्रायोरिटी लिस्ट तय कर दी, आपने देखा प्रायोरिटी लिस्ट तय करते ही अब वो रिपोर्टिंग अपने स्कूल्स में होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद पोर्टल से 7 जून से लेकर 25 जुलाई तक फर्स्ट लिस्ट निकल जाएगी जो पूरी ऑनलाइन रहेगी एनआईसी द्वारा से, और उसके बाद फिर जो बचते हैं सीट्स और जो रिक्वायरमेंट है एप्लीकेंट्स की उसको मैच करके फिर सेकंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड होता है फाइनल। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया है। सर, प्रक्रिया पारदर्शी सुनने में नजर आ रही है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जो जिनका बकाया चल रहा है और वो स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कि इस बार आरटी के एडमिशन नहीं लेंगे, उन पर किस तरह की कार्रवाई या फिर उनको किस तरह से समझाइश की जाएगी? नहीं, आरटी के तहत जो क्लास 1-8 जो निशुल्क शिक्षा का तो पैसा हम ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनको करते रहें कर रहे हैं, पिछले साल भी 688 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए, इस साल ऑलरेडी 200 करोड़ पहले ट्रांसफ़र हो गए, 300 करोड़ और जा रही है। तो जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो लाइबिलिटी है वो तो पूरा कर ही रहे हैं, बट
डिनाइल तो कोई नहीं कर सकता, जो इसको मेडिकल में आना है, शिक्षा में आना है, उसको डिनाइल का कोई राइट नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं है, ये मूल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। इसको फंडामेंटल राइट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पता है आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं, और इसमें कोई भी शिक्षण संस्थान, राजकीय संस्थान कोई डिनाई नहीं कर सकता इन बच्चों के एडमिशन्स के, आइदर PP3 हो या क्लास वन। पिछले सत्र में भी ऐसे कई बड़े नामी स्कूल जिन्होंने छात्रों को रिजेक्ट किया और छात्रों का कम से कम एक साल बर्बाद हुआ है उसकी वजह से, उनको नोटिस भी दिया गया था, लेकिन किस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई पूरे साल में। ना, ऐसे केसेस हो गए तो हम प्रोएक्टिवली निगरानी रखेंगे। इस बार कोई आप पहले से ही ताकीद करेंगे ऐसे स्कूलों को? नो, वी ऑलरेडी प्रोएक्टिवली ऑन इट, वी आर प्रोएक्टिवली ऑन इट, वी विल इंश्योर कि बच्चों के जो ये समानता का जो अधिकार दे रखा है केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति के तहत, इसकी हम पालना कराएंगे। सर, बड़े पैमाने पे स्कूलों में जो एडमिशन हो रहे हैं, फिर वो बच्चे वहाँ से नाम कटवा करके उनपे दबाव बनाया जाता है और वे नाम वहाँ से हटा करके किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर होते हैं, ऐसे कई सारे केसेस आए और इस पे शिक्षा निदेशालय ने भी अपनी रिपोर्ट एक जारी की थी। उन स्कूलों पे, खासतौर पर जोधपुर में जो बहुत बड़ा मामला सामने आया था, उन स्कूलों पर क्या कार्रवाई हुई और इस बार अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, स्पोरैडिक कंप्लेंट्स जहाँ से आते हैं उस पर हमारे जहाँ प्रसंज्ञान, हम उसको प्रसंज्ञान लेते हैं, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई कट के आ रहा है तो ख़राब ही होगा। मैं कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स देखता हूँ जो कि प्राइवेट स्कूल से बेटर है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। मैं बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जा चुका हूँ और मैं देखता हूँ, कई प्राइवेट स्कूल्स दो कमरे में खुले हुए हैं और चल रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा दे रही है। तो ये धारणा तो चेंज ही कर लीजिए कि प्राइवेट से गवर्नमेंट में जा रहा है इसलिए कि गवर्नमेंट खराब है, ऐसा नहीं है। लेकिन सर, वो प्राइवेट स्कूल उन बच्चों के नाम पे राशि का उठाव कर रहे हैं, उनके नाम की राशि जो है वो प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं, लेकिन वो बच्चा वहाँ नहीं पढ़ता। मैं ऐसे केसेस की बात ना, ऐसे केसेस मेरे प्रसंज्ञान में अभी नहीं आया, अगर आएगा तो सर्टनली कार्रवाई करें। सर, महात्मा गांधी स्कूलों को बंद करने को लेकर नहीं, महात्मा, देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, बहुत बातें आपको पॉलिसी की नहीं बता सकता मैं, परंतु महात्मा गांधी स्कूल्स हैं अभी और वो चलेंगे, इतना ही कह सकता हूँ। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग है, उसमें तबादला नीति को लेकर भी देखो, ये पॉलिसी निर्णय है, मैं यहाँ अभी नहीं बोल सकता, पॉलिसी लेवल के डिसीजन है, मोर ओवर कोड ऑफ कंडक्ट है, अभी ये बातें नहीं कर सकते। थैंक यू।